हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने गांव से। एक खूबसूरत पहाड़ों के बीच से मैंने स्टार्ट कर लिया है ब्लॉग। तो आज मैं अपने मायके में हूँ, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था। अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, आज मुझे अपने ससुराल में जाना है। तो दिखाती हूँ आपको प्यारा सा मौसम। तो गाइस, मौसम आज का इतना प्यारा हो रखा है मेरे मायके का, आप देख सकते हो। ये खूबसूरत पहाड़े हैं यहाँ के सारे आई साइड। और ये यहाँ के खूबसूरत से खेत हैं, नीचे गेहूँ लगा रखे हैं आजकल इनमें फसल। तो गाइस, मैं जाती हूँ नीचे। मम्मी खाने के लिए वेट कर रहे हैं, खाना बनाया। आज स्पेशल सब्जी बनवाई है मेरे लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी साल से वो सब्जी खाई नहीं थी। हमारे पहाड़ों में ही होती है वो सब्जी। तो मैं नीचे दिखाती हूँ आपको कौन सी सब्जी है। तो चलते हैं हम नीचे। गैस, खाना रख दिया है मेरे लिए और ये सब्जी दिखाती हूँ आपको। ये है बिच्छू की सब्ज़ी। हमारे पहाड़ों पहाड़ के फ्रेंड तो मेरे सारे जानते हैं बिच्छू को। इसकी सब्जी बनवाई है स्पेशली। और ये ऑर्गेनिक चावल है यहाँ के, बगैर खाद के। तो ये चावल बने, आज के खाना मेरा यही रहेगा। ये मुझे काफ़ी पसंद है। और बाकी और ये है मिर्ची, यहाँ भुने हुए मिर्ची भी खाते हैं इसके साथ में। तो आज मैंने पूरी पहाड़ी खाने का ही लुत्फ लेना है, यही भाभी ने बनवाया है स्पेशल। और मम्मी भी खाना लेके आ रहे हैं। और भतीजी है मेरी, वो कैमरामैन बनी है। और बच्चे स्कूल चले गए, भैया भाभी खा के वो भी अपने जॉब पर चले गए, बस मैं ही बची हूँ। मैं लेट हो गई थी और अब खा लेते हैं खाना। तो गैस, हम हो गए हैं रेडी। मैं मेरी भतीजी को भी ले जा रही हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि मैं अकेले जा रही थी और ये कहीं जाती तो है नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता कहीं पे भी। तो आज मैं इसको ज़बरदस्ती ससुराल ले जा रही हूँ अपने। और घर से कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती बस, और कहीं भी इसको जाना अच्छा ही नहीं लगता, बस अपने घर में ही अच्छा लगता है। तो हम हो गए हैं रेडी, बड़े मुश्किल से मना लिया मैंने इसको। अब चलते हैं सीधे ससुराल की ओर। धूप तो काफ़ी अच्छी आई है सुबह से ही। मम्मी भी बैठे हैं वहाँ पे, मम्मी तो आ नहीं रहे, मम्मी की तबीयत हुआ ठीक नहीं है, बुखार बुखार भी आया है। तो हम लोग ही जाते हैं अब। ऐसे है सोमेश्वर की मार्केट। गाइस, पहुंच चुके हैं मार्केट में। और मिठाइयाँ ले ली मैंने ससुराल के लिए, सबके लिए ले ली है। और अब चलते हैं ऊपर कौसानी की ओर। यहीं से ससुराल के लिए भी रोड जाती है और मायके के, यही है हमारा मार्केट। चलो फिर चलते हैं, गाड़ी देखते हैं ऊपर के लिए। गाइस, मार्केट से सामान वामान ले लिया। मोना को मैंने कुली बना दिया, पूरा सामान उसी के हाथ में है। बोली बुआ मैं ले लूँगी,
गाइस हम पहुंच चुके हैं कौसानी में। अब यहां से जाती है ससुराल के लिए गाड़ी, यहां तक के लिए दूसरी गाड़ी। गाइस मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल में, यहीं पे उतरी हूं अभी। ये भी मेरा ही घर है, यहां पे दुकान वकान लगा रखे हैं और ऊपर गांव में है। यहां पे अभी थोड़ा धुआं हुआ, किसी ने कुछ कचरा जला रखा है तो साफ नहीं आ रहा। अभी दिखाती हूँ मैं घर जाके। गाइस ये है मेरा गांव। बैग लेने के लिए आएंगे क्योंकि बैग भी बहुत भारी है, तो आ रहे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। गाइस ये है मेरा घर। इतना चलना पड़ता है रोड से थोड़ा ऊपर, मैं तो थक गई बहुत ज़्यादा, चढ़ाई है ना थोड़ा। गाइस ये है मेरा घर और ये मेरी सासू माँ हैं और ऊपर जेठ जी हैं। इस तरफ गए ऊपर और यहाँ जेठानी जी घूम रहे हैं। इस तरफ मेरे रूम हैं और इस तरफ जेठ जी इनके रूम हैं, तो इधर चार रूम बने हैं। तो ये है घर, सही कर गए जाओ। ये है मेरा ससुराल और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आपको। शाम हो गई अभी तक, क्या मैं रूम की सफाई वफाई कर रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको अंदर। ये है मेरा रूम, अभी ये पूरा इधर सफाई वफाई कर ली थी सब। और ये जर्जीन का रूम है। तो मैं भी थोड़ा हार मानती हूँ। गाइस हम दुल्हन के घर में चले गए हैं अभी, अभी आई मैं मिलने वहाँ पे। अभी तक घर का काम हम थोड़ा करा मैंने, सफाई वफाई सारे काम यही चल रहे थे और खाना भी रेडी हो गया है और सारे हम लोग बैठे हैं। अब दिखाते हैं आपको आज के खाने में क्या बना है। गाइस पूरी सब्जी बनी है और कोयले भी रखे हैं तापने के लिए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये हमारे पहाड़ में है ना, ये चीज़ बनती है, इसमें रखते ज़्यादा जैसे आ जाते हैं मेहमान वगैरह, तो इसमें रखी है पूड़ियाँ। ये सब मेहमान है, ये दामाद है मेरे छोटे वाले दामाद जी, सबसे बड़े वाले जेठ जी है ना उनके दामाद जी हैं, तो मेरे भी दामाद जी हुए हैं सब। अरे मोना बैठी है और एक दामाद जी ऐसे कार्टून है, ये नैनीताल से आए, पीठ पलटा दी है कि मेरे सासू माँ ब्लॉग बना रहे करके, और वहाँ लड़की को लेके नहीं आए हैं, अकेले आए हैं। अकेले आने में मजा आया ना। हाँ ऐसे काम है इनके, तो हम लोग खा लेते हैं खाना। तो गाइस आज मायके से ससुराल आने का सफ़र रहा इसमें पूरा, और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।